नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। कंगना ने भारत को कह दिया जिहादी देश, बोली दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। भारत सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने का निर्णय लिया गया, इसके बाद पूरे देश के किसानों में जश्न का माहौल है। किसानों का कहना कि ये उनके संघर्ष का फल है। वहीं कृषि कानूनों के समर्थन में रही कंगना रनौत इसे वापस लिए जाने के फैसले से नाराज हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। ट्विटर पर अकाउंट सस्पेंड होने के कारण कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें तो यह भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। संयुक्त किसान मंच हरीश चौहान बोले, समय पर कृषि कानून वापस लिए होते तो 700 किसानों की जान बच जाती। हिमाचल प्रदेश में किसानों बागवानों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया। हरीश चौहान ने कहा कि किसानों का आंदोलन शुरू होते ही अगर सरकार यह कानून वापस ले लेती तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। सरकार से यह एक बहुत बड़ी भूल हुई है। देश के साथ साथ संयुक्त किसान मंच भी कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला संपन्न, माँ से अगले वर्ष मिलने का वादा कर लौटे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम अपनी माँ श्री रेणुका जी को फिर अगले वर्ष मिलने का वायदा कर अपने धाम जामुकोटी की ओर रवाना हो गए। इसके साथ ही माँ श्री रेणुका जी व उनके बेटे भगवान परशुराम के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी आज शुक्रवार को संपन्न हो गया। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने प्राचीन परशुराम देवेठी ने भगवान परशुराम सहित अन्य देव पालकियों को कंधा देकर अपने अपने देवस्थलों के लिए रवाना हो गए। 6 दिनों तक चले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का समापन से पूर्व राज्यपाल ने माँ श्री रेणुका जी व भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा अर्चना कर शीश नवाया। शिमला तारा देवी जंगल में ड्रोन की मदद से पकड़ा फरार कैदी। पुलिस हिरासत से फरार विचाराधीन कैदी को 48 घंटे के भीतर ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया है। कैदी डाडीराम उर्फ सागर 37 वर्षीय पुत्र टीलू चंद जिला जजरकोट आंचल बैरी नेपाल निवासी तारा देवी के जंगल से पुलिस की गिरफ्त में आया। वह 17 नवंबर को सुबह 11 बजे चक्कर कोट में पेशी के लिए लाते समय तभी मोड़ से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग गया था। चंबा के बाद अब बिलासपुर में सस्ती राशन की दुकानों में आई खराब चावल की सप्लाई। चंबा के बाद बिलासपुर में सस्ती राशन की दुकानों में खराब चावल की सप्लाई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की निरीक्षक ने शिकायत मिलने के उपरांत सस्ती राशन की दुकानों में औचक छापेमारी की। उन्होंने खराब चावल की बोरियों को सील कर चावल के सैंपल भरे हैं। वहीं इस संदर्भ में खाद्य आपूर्ति विभाग की निरीक्षक रजनीकांत कालिया ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस बारे में विभागीय तौर पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है कि आखिर खराब चावल की सप्लाई आवंटित करने के प्रति कहां पर कोताही बरती गई है। सीएम जयराम ठाकुर एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीती, कांग्रेस हर बार नहीं होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसियों की काम की परिभाषा अलग है, विकास कार्यों के बजाय घोटालों को काम मानते हैं। सहकारिता के मंच से सीएम ने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीते हैं, जनता हर बार श्रद्धांजलि नहीं देगी। अगला दौर भाजपा का होगा। वह शुक्रवार को महतपुर बसदेड़ा में राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यक्रम में बोल रहे थे। वहीं सीएम ने चंबा की विधायक आशा कुमारी का नाम लेकर कहा कि वह भी खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रही हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि हरोली से भी यही आवाज़ आ रही है। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि 12 जिलों में विपक्ष के 12 मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा जनता महसूस कर रही है। इसके बाद पूबोवाल में जनसभा के दौरान भी जयराम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले का विक्रमादित्य ने किया स्वागत, बोले लंबे समय के बाद खुली मोदी सरकार की आंखें। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों की जीत बताया है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद मोदी सरकार की आंखें खुली हैं। एक साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंदोलनरत किसानों से बात तक नहीं की और आज एकाएक दूरदर्शन पर प्रकट होकर उन्होंने इन तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब जब 5 राज्यों में चुनाव की बेला शुरू होने वाली है तो ऐसे में उन्होंने 3 कृषि कानूनों को रद्द कर राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास किया है उसमें उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मैट्रिक व प्लस टू मेरिट में बड़ी स्टूडेंट्स की संख्या टॉप 100 में, गर्ल्स ने बॉयज को पछाड़ा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इस बार घोषित मैट्रिक व प्लस टू की मेरिट में स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं टॉप 100 में गर्ल्स ने बॉयज को पछाड़ दिया। इस बार की मेरिट में फिर से निजी स्कूलों ने अपना दबदबा कायम रखा है जबकि सरकारी स्कूल फिर से पिछड़ गए हैं। मैट्रिक के टॉप 100 में से 155 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। वहीं प्लस टू के 106 स्टूडेंट्स ने टॉप 100 में कब्जा जमाया है। कोविड-19 के चलते बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया था। इस व्यवस्था से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा का मौका भी अगस्त सितंबर में दिया गया है। उसके उपरांत अब बोर्ड ने मैट सूची तैयार की है। 15 वर्ष बाद मिलता है नियमितीकरण। शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को JCCC से उम्मीद। शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जीवन नियमितीकरण की आस में गुजर रहा है। 8 वर्षों तक पार्ट टाइम सेवाएं देने के बाद इन्हें दैनिक भोगी बनाया जाता है। इसके 15 वर्षों के बाद नियमित होने का अवसर मिलता है। शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 8,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 27 नवम्बर को होने वाली JCCC की बैठक से उम्मीदें हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ये हैं बड़ी मांगे। चतुर्थ कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त किया जाए। 10 मई 2001 की शर्त को हटाया जाए। 3 वर्ष बाद प्रयोगशाला परिचर कर्मचारी बनाया जाए। प्रदेश में करीब 3,000 प्रयोगशाला परिचर के पद खाली है। वहीं LDR में 20% चतुर्थ कर्मचारी को कमीशन का कोटा दिया जाए। कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। तो ये कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बड़ी मांगे हैं। हिमाचल परिवहन निगम में 565 परिचालक तैनात, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने शुक्रवार को 565 परिचालकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। निगम प्रबंधन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। HRTC के सभी 30 डिपुओं के लिए ये कंडक्टर भेजे गए हैं। सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें डिपो इंचार्ज के पास ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। रिक्त पद भरने से HRTC में कंडक्टरों की कमी दूर हो गई है। अब परिचालकों को ओवरटाइम से भी छुटकारा मिल जाएगा। वहीं कंडक्टरों की कमी से बंद पड़े HRTC के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के रूट भी बहाल होंगे। सभी कंडक्टरों की नियुक्ति अनुबंध पर की गई है। इन्हें 5,910 प्लस 2,400 ग्रेड और 8,310 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। गौर हो कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी पिछले कई महीने से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। वही बात करें तो हिमाचल पथ परिवहन निगम में अनुबंध पर तैनात 1,078 चालक, परिचालक और लिपिक इसी महीने नियमित होंगे। निगम प्रबंधन ने HRTC संयुक्त समन्वय समिति यानी JCCC को इसकी सूचना दे दी है। 28 नवंबर तक इन्हें नियमित करने के लिए कहा गया है। इन सभी कर्मचारियों को अनुबंध पर 3 साल या इससे ज़्यादा का समय हो गया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।